हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडेंट चैनल पे। इसका नाम अंकित सिंह है। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और MST CET 2022 के स्टूडेंटों, आप लोग की रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट है, और उसमें जो है काफ़ी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करते करते मिस्टेक कर दे रहे हो। बोल रहे सर अब तो मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, अब क्या करूँ। तो ये जो मिस्टेक है यार, ये ठीक हो सकती है, पर ठीक होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है तो आपको आपका सारा डिटेल देखने मिलेगा, और उसमें डिटेल में आपको देखने मिलेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर वो समझो कुछ भी गलत रहता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यानी कि वो एक चांस रहता है आपको चेंज करने का। पर आप अगर समझो समझो आपने आपके फादर नेम में मिस्टेक की है, ठीक है। तो अगर आपके फादर नेम में मिस्टेक है ना, तो सिर्फ आप ये नहीं है कि आप ग्रीवेंस अगले जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद जब ग्रीवेंसेस डालोगे तो उसमें ये नहीं बोलोगे कि मेरे फादर नेम में मिस्टेक है। आपको फादर नेम मिस्टेक है बताना तो पड़ेगा, पर साथ ही साथ उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा कि आप अपने फादर का वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाओ, जिसपे लिखा हो कि आपके फादर का ये नेम है। तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए आप जो सोच रहे हो कि मतलब कोई कोई कुछ भी गड़बड़ कर दोगे वगैरह वगैरह, तो इसलिए कोई भी चीज़ करते समय उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी चीज़ कर रहे हो एकदम चौकन्ना तरीके से करो, एकदम ऐसे करो कि कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यही कहूँगा। बाकी अगर हो जाती है तो एक डॉक्यूमेंट कैसे भी तैयार रखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है, तो ये मत सोचो कि आपका कोई समझो गलती हो गई उसके बाद कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। बाकी जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।